तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नए चैप्टर का, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लास 11 का ये दूसरा चैप्टर है। और ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें अगर देखा जाए तो नीट के अंदर इससे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स है, ज्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने सेल, सेल साइकिल एंड सेल डिविजन को देख लिया है। अगला जो है हम लोग ये देखने जा रहे हैं, जिसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे, और इसको अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें बिना लेट किए हुए हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में ये चैप्टर क्या कहना चाहता है, और इसमें मतलब क्या क्या चीज कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है, ये हम लोग समझते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और ये समझते हैं कि ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। पहले ध्यान समझिएगा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहने का क्या मतलब हुआ कि इसका साफ ये मतलब है कि बायोलॉजिकल यानी कि जीवों का वर्गीकरण। देखिए चैप्टर का नाम भी है जीवों का जैविक वर्गीकरण, यानी कि अब ये वर्गीकरण का क्यों समस्या आया, तो आपको मैं बता दूं कि अभी तक रिसेंट अभी तक का खोजे जाने वाला, मानी इस पूरे धरती पर जितने भी पूरा वर्ल्ड है ये इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, तो उसमें जो भी जीव पाए जाते हैं उसमें लगभग 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन स्पीसीज का खोज हो चुका है, यानी कि लगभग 17 से 18 लाख जो है वो स्पीसीज का खोज हो चुका है। अब इमेजिन कीजिए कि 18 लाख स्पीसीज का खोज हो चुका है, उसमें प्लांट है, एनिमल है, और छोटे छोटे जितने भी मतलब जो जीव के बारे में हम लोग जान चुके हैं उसका खोज हो चुका है। तो उसके बारे में अब इतना सारा चीज अब हम लोग जान चुके हैं, तो इतना सारा ऑर्गेनिज्म को खोज चुके हैं, तब उसको बात आता है कि भाई कैसे क्लासीफाई करें, यानी कि उसको कैसे हम लोग जो है उसको क्या करें, उसको अलग अलग कैटेगरी में रखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कभी मॉल वगैरह में गए होंगे, तो जब मॉल में जाते हैं तो आपको क्या पता लगता है कि वहां पे क्या किया जाता है कि हर एक सामान को अलग अलग क्लासिफाई किया जाता है और अलग अलग रेकों के अंदर सजा के रखा जाता है। तो आप क्या करते हैं जब वहां पे जाते हैं, तो क्या होता है कि आप जैसे साबुन लेने जाना है तो साबुन वाला जिधर रेक पूरा लगा हुआ रहेगा वहां पे अलग अलग वेराइटी का साबुन जो है वो क्या होता है लगा हुआ है। उसी तरह से बिस्किट वाला जो रेक होता है तो उसमें जितने टाइप के बिस्किट है एक पूरा लाइन से लगे हुए रहते हैं, उधर पूरा लगा हुआ रहता है। उसी तरह से जो भी चीज इलेक्ट्रॉनिक है तो अलग लगा हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप ये सोचिए, इमेजिन कीजिए कि अगर ऐसा नहीं किया हुआ रहता और आपको बोल देता कि जाके आप शॉपिंग कर लीजिए, तो क्या होता कि आप जाते और ढूंढते रह जाते, एक मतलब कुछ भी सामान लेने के लिए आपको कितना कितना घंटा बर्बाद करना पड़ता, तब जाकर के आप उस सामान को खोज पाते, नहीं तो ऐसा होता कि खोजने भी नहीं पाते, वो मिलता भी नहीं, क्योंकि वेल ऑर्गेनाइज में रखा जाता है, इसलिए हम लोग वहां पे जाके उसको ढूंढ लेते हैं। सेम वही हुआ। अब और अगर इसको और समझना है तो क्या समझ सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि उसी मॉल से आप शॉपिंग करके आ गए, बहुत सारा आइटम खरीद करके आ गए, तो हम लोग क्या करते हैं घर में आकर के भी उसको ऐसे नहीं रख सकते, उसको क्या करते हैं कि किचन वाला जो सामान है किचन में डाल दिए, स्टडी रूम वाला सामान है स्टडी रूम में डाल दिए, इसके बाद ड्राइंग रूम वाला है उसमें अपना डाइनिंग रूम वाला है उसमें अपना डाइनिंग रूम में डाल दिए। तो इस तरह से हम लोग करते क्या है कि जितने भी जो जो भी सामान है हमारे यहाँ उसको हम लोग क्या करते हैं अलग अलग रूम के हिसाब से उसको वहां पे रख देते हैं, ताकि जब जरूरत हो तो उसको फटाक से वहां से लाया जाए। जैसे माचिस है, अगर माचिस अगर आप किचन में, जैसे माचिस करने का मतलब तुरंत समझ में आता है कि कहाँ पे होना चाहिए, किचन के अंदर होना चाहिए, तो आदमी जाएगा किचन के अंदर तुरंत माचिस, लेकिन अगर वही माचिस दूसरे रूम में रखा जाए तो आदमी ढूंढने लगता है और परेशान हो जाता है। तो यही नीड था, 17 लाख से 18 लाख ऑर्गेनिज्म खोजे जा चुके थे, अब उनको क्लासिफाई करना था, उनको क्लासिफाई करके उनको पहचान करके उनको समझना था और उनको एक ऐसा कैटेगरी देना था ताकि जब भी आगे चल के उसको पढ़ने पढ़ने के लिए जो भी जनरेशन आए उसको पढ़ने में उनको आसानी हो, और जब भी कोई नया स्पीसीज का खोज हो तो उसके अंदर उसको रखा जाए ताकि फिर से उसको तकलीफ ना हो। तो इस तरह का चैलेंजेस थे। तो इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग यही देखेंगे कि कैसे जीवों को साइंटिस्टों के द्वारा वर्गीकृत किया गया और आज इतना बढ़िया से वर्गीकृत कर दिया गया है, क्लासिफाई कर दिया गया है स्टूडेंट, कि आज हम लोग अच्छे से कोई भी जीव को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अगर आज कोई नया जीव भी अगर डिस्कवर होता है तो वहां पर भी हम लोग क्या देखते हैं कि वहां पर भी आपको ये देखने के लिए मिलता है कि आराम से उसको जब भी नया चीज मिला तो उसको आज हम लोग जानते हैं कि कहाँ पे इसको रखने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको लाइन बाय लाइन, हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे इसको किया गया। तो अभी इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि किन लोगों ने कैसे कैसे करके पूरा क्लासिफिकेशन दिया और लास्ट में किनका क्लासिफिकेशन मोस्ट एक्सेप्टेड था, वो हम लोग देखेंगे। दूसरा देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में, फिर पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के बारे में, फिर पढ़ेंगे फंगी के बारे में, फिर लाइकेंस के बारे में पढ़ेंगे, वायरस के बारे में पढ़ेंगे, वायरोइड के बारे में पढ़ेंगे और पायरोन्स के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे ही ये पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। अब इसमें बच गया, देखिए यहाँ पे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन 1-2 बच जाएगा, 1 एनिमिलिया बच जाएगा, 1 प्लांटी बच जाएगा। तो आपको मैं बता दूं स्टूडेंट कि जो वहां पे एनिमिलिया के अंदर और प्लांटी के अंदर जो चीजें नहीं बताई जाएंगी
वो चीजें हम लोग यहाँ पर भी कवर करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे लिखे नहीं है इसलिए कि उसको अलग किंगडम में पढ़ना है, लेकिन उसके बारे में कुछ कुछ चीजें हम यहाँ पे बता देंगे। तो चलिए एक डेफिनेशन देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्या कहता है। कहता है कि द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, ये कला है आइडेंटिफाइंग दिस डिस्टिंक्शन एमोंग ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या डिस्टिंक्शन, मतलब होता है अंतर किसके बीच में, ऑर्गेनिज्म के बीच में, एंड प्लेसिंग देम इनटू द ग्रुप्स दैट रिफ्लेक्ट देयर मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर एंड द रिलेशनशिप, उसी को क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लास में। मतलब इसका क्या हुआ कि जीवों के बीच अंतर यानी कि डिस्टिंक्शन को पहचानना यानी कि आइडेंटिफिकेशन, और उन्हें ऐसे समूह या ग्रुप में रखने की कला आर्ट जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हो और संबंध हो, विशेषता और संबंध एक दूसरे से को दर्शाते हैं, इसे ही जैविक वर्गीकरण या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। मतलब आप ये समझिए कि पहला नंबर जीवों के पहचानना, उसके बीच में क्या क्या अंतर है उसको ये जानना, और उसको एक ऐसा समूह में रखना जिसमें क्या है, समूह में रखना, और उसमें हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि उसके समूह में रखने से पहले महत्वपूर्ण विशेषता यानी कि सिग्निफिकेंट फीचर को देखेंगे और उसके संबंध को देखेंगे स्टूडेंट के, क्या रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, और ये देखेंगे जैसे प्लांट का बात करें तो प्लांट तो सभी प्लांट है ना, लेकिन आम को और नीम को एक साथ रखा जा सकता है क्या, जामुन को एक साथ रखा जा सकता है क्या, प्लांट तो है प्लांट ही किंगडम में रखेंगे, लेकिन वो सबको अलग अलग हमको ग्रुप में रखना होगा, तो जो उससे रिलेटेड होगा जो उससे मिलेगा उसको हम लोग उसके साथ रखेंगे। तो यही चीज जो है करने ये बतलाता है कौन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जब ये बात आई कि भाई बायोलॉजिकली इतना ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाए, तो पहला बार जो अर्लीएस्ट अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था वो कब दिया गया था, जब सिविलाइजेशन शुरू हो रहा था, हमारा सभ्यता जब शुरू हो रहा था उस दौरान इसको दिया गया था, लेकिन ये साइंटिफिक नहीं था। ये किसके बेस पर था, ये कंप्लीटली बोर्न आउट किसके बेस पर, नीड के बेस पर, यानी कि जो रहने का, रहने के लिए जो जो चीज यूज होता था, अरे खाने के लिए यूज होता था उसको खाने वाला में रख दिए, और रहने के लिए यूज होता शेल्टर उसको रहने वाला में रख दिए, और क्लोथिंग पहनने वाला जो यूज होता है यानी कि रोटी कपड़ा और मकान, सुने होंगे। तो शुरू में जब क्लासिफिकेशन किया गया तो इसी बेसिस पर किया गया कि जो खाने का चीज है उसको अलग रख दो, फिर इसके बाद जो रहने के लिए यूज होगा उसको अलग रख दो, और जो पहनने के लिए यूज होगा उसको अलग रख दो। लेकिन ये बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं था, बेबुनियादी था, इसीलिए इसको उतना नहीं ध्यान में रखना रहता है। लेकिन फिर इसके बाद फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने दिया था, एरिस्टोटल। किसने दिया था स्टूडेंट, एरिस्टोटल, जो क्या है, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहलाते हैं और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहलाते हैं। टोटल के बायोलॉजी है ये, यानी कि फादर है किसके, बायोलॉजी के, ये कहलाते हैं। यहीं पे नोट्स देख के हम थोड़ा सा लिखे हुए हैं कि एक और साइंटिस्ट है जैसे थियोरोफ्रेस्टस, इनको कहा जाता है, इनको फादर ऑफ बोटनी कहा जाता है। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं था, लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन के लिए हम बता दें कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि जूलॉजी का कौन फादर है और बोटनी के कौन फादर है, तो आपको बताना होगा जूलॉजी के कौन हो गए एरिस्टोटल और बोटनी के कौन हो गए थियोफ्रेस्टस, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये इन्होंने, अब आते हैं क्लासिफिकेशन पर, एरिस्टोटल साहब ने क्या किया कि पूरे ऑर्गेनिज्म को, एरिस्टोटल साहब ने क्या किया था, पूरे ऑर्गेनिज्म को दो भागों में बांट दिया, एक तो प्लांट में भाग बांट दिया और दूसरा एनिमल में बांट दिया, और प्लांट को भी तीन भागों में बांट दिया, हर्ब श्रब और ट्री, यानी कि छोटे छोटे घास को अलग कर दिए, उसके बाद झाड़ी को अलग कर दिया, इसके बाद जो बड़े बड़े पेड़ थे उसको अलग कर दिया, इसके बाद उन्होंने एनिमल को कलर के, ब्लड के कलर के बेसिस पर उन्होंने दो कैटेगरी में बांटा। कितने कैटेगरी में बांटा, दो कैटेगरी में। एक तो पहला नंबर बोला कि जिनका खून लाल है यानी कि रेड ब्लड वाले हैं उसको उन्होंने क्या बोला, इनेमिया। क्या बोला, इनेमिया या इनेमा, इसको इनेमा भी कहा जाता है। और दूसरा जिनका ब्लड लाल नहीं था उसको इन्होंने क्या, माने उसका क्या नाम लिखा, एनेमिया। ये जब इसी बायोलॉजी के अंदर लगता है तो आप जानते हैं कि वो नहीं होगा, यानी कि एक रेड कलर और एक विदाउट रेड कलर। लेकिन आपको देखा जाए कि भाई बहुत सारे ऐसे प्रोटिस्टा हैं या और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं कि जिनके अंदर जब काटिएगा तो क्या होगा, उनके अंदर से रेड निकलता है खून, और हम लोगों के अंदर से भी रेड निकलता है, तो क्या हम लोग जो है एक ही टाइप के हैं क्या। तो ये भी एक बुनियादी क्लासिफिकेशन को माना नहीं गया, तो यानी कि ये भी वेल एक्सेप्टेड नहीं था। लेकिन पहली बार इन्होंने, एरिस्टोटल साहब ने कुछ तो क्लासिफाई करने का कोशिश किया प्लांट और एनिमल के बीच। फिर इसके बाद आया टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन, यानी कि उसके बाद जो है दो किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया गया, और किनके द्वारा दिया गया स्टूडेंट, लिनियस के द्वारा दिया गया। किनके द्वारा दिया गया, लिनियस के द्वारा दिया गया। और इन्होंने जब क्लासिफाई करने लगे ये भी क्या किए, एरिस्टोटल की तरह ही प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई किए, लेकिन
इसमें इन्होंने क्या ध्यान रखा, इसमें बहुत सारा चीज लिया, सेल वाल के बेसिस पर, लोकोमोशन के बेसिस पर, यानी कि चलता है कि नहीं चलता है, क्या खाता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर, ये कोई भी स्टिमुलाई यानी कि जैसे सूरज से क्या रिस्पांस दिखाता है, या फिर कोई भी प्रीडेटर है उसके अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स दिखाता है, मतलब कि कोई भी जब खतरा हो या अपने आप को मौसम बदले तो उस समय उसका क्या मतलब रिस्पॉन्स रहता है उस मौसम के प्रति, उसके बेसिस पर और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बेसिस पर इन्होंने दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, एक तरफ प्लांट को रखा, एक तरफ एनिमल को, और प्लांट में जो रखा उसमें बैक्टीरिया को डाल दिया, ब्लू ग्रीन एल्गी को डाल दिया, डायनोफ्लेजिलेट्स को डाल दिया, क्राइसोफाइट्स को डाल दिया, फंगी को डाल दिया और प्लांट को, मतलब इन्होंने कहा कि जो हल्का गुण उनको लगा कि फोटोसिंथेसिस करता है, सूर्य के हिसाब से खाना बनाता है, तो उसको सब उठा करके प्लांट में डाल दिए, और उसके अलावा जो नहीं खाना बनाते हैं उसको क्या किए, प्रोटोजोआ और एनिमल, और कुछ कुछ और कैरेक्टर लिए कि कोई चलता है नहीं चलता है, तो ज्यादा चलने वाला तो एनिमल ही है, तो इस बेसिस पर इन्होंने डिवाइड किया। और ये लेकिन इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, इनका क्या चीज नहीं एक्सप्लेन कर पाए, इनका क्लासिफिकेशन क्या चीज नहीं एक्सप्लेन कर पाया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये ध्यान में रखिएगा कि इन्होंने डिफरेंशिएट नहीं करने पाया था क्या यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यानी कि देखिए फंगी हो प्लांट हो, फंगी भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और प्लांट भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन बैक्टीरिया को देखा जाए, ब्लू ग्रीन एल्गी को देखा जाए, डायनोफ्लेजिलेट्स को देखा जाए, तो ये सब क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को नहीं डिस्टिंग्विश कर पाए। तो भाई लोगों ने पूछा कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, क्या आप यूनिसेलुलर को भी एक ही ग्रुप में डाल रहे हैं और मल्टीसेलुलर को भी एक ही ग्रुप में डाल रहे हैं, तो ये नहीं ये करने पाए थे, जैसे क्लामाइडोमोनास यूनिसेलुलर है और मल्टीसेलुलर क्या है, एस्पाइरो वगैरह सबको एक में डाल दिया, समझे, तो इस तरह से इन्होंने नहीं क्लासिफाई करने पाया था। दूसरा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में इन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं किया था, जैसे आप प्लांट हो या फंगी हो या डायनोफ्लेजिलेट हो या क्राइसोफाइट हो, दे ऑल आर क्या है यूकैरियोट्स, और बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है प्रोकैरियोट, इसको इन्होंने क्या किया कि इसको भी क्लासिफाई नहीं करने पाया। तो उसके साथ साथ फिर और क्या कि फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में भी इन्होंने क्लासिफाई नहीं किया, जैसे फंगी फोटोसिंथेसिस करते ही नहीं है, और बाकी इन लोग तो चलो ठीक है प्लांट भी फोटोसिंथेसिस करता है, कुछ बैक्टीरिया कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी तो फोटोसिंथेसिस करते ही है, तो कहने का मतलब है कि अब देखिए फंगी को भी इसी में रख दिया और प्लांट को भी इसी में रख दिया, और प्लांट को तो इसी में रखा था, मतलब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ प्लांट भी ऐसे होते हैं जो आप इंसेक्टिवोरस होते हैं, जो आप 10th क्लास में पढ़े थे कि फ्लाई ट्रैप एक प्लांट था जो कीड़ा को खा जाता था, ऐसे ऐसे दबोच लेता था, याद आ रहा है कुछ, तो उस तरह से तो हाँ तो वही तो उसमें भी आप देखिए उसमें भी डिस्टिंग्विश नहीं करने पाए, तो इनका ये एक सबसे बड़ा जो था मतलब दिक्कत था। जैसे इसमें फोटोसिंथेसिस करने वाला ग्रीन प्लांट है, इसके सेल वाल को भी अगर देखा गया तो सेल वाल का बेसिस इन्होंने सेल वाल को भी बेसिस बनाया था, अरे बनाया था ना, तो सेल वाल को भी देखा गया तो देखा गया कि प्लांट के अंदर किसका बना हुआ है सेलुलोज का बना हुआ है और फंगी के अंदर किसका बना हुआ है काइटिन, तो ये दोनों को एक साथ आप कैसे रख सकते हैं, एक का सेल वाल है सेलुलोज का बना और दूसरा है किसका बना काइटिन का बना, तो उसको भी आप कैसे रख सकते हैं, तो ये सब इनका ड्रॉबैक था कह सकते हैं, या ये इनको एक्सप्लेन नहीं करने पाए, लेकिन जो इन्होंने कुछ योगदान दिया था इसीलिए टू किंगडम का। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकल, क्या नाम था इसका, इनका नाम था अर्नेस्ट हैकल, उन्होंने कहा कि भाई देखिए हम कभी भी ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक में नहीं रख सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हम एक अलग ग्रुप बनाएंगे, और जिसका उन्होंने क्या नाम दिया प्रोटिस्टा, यानी कि प्लांट एनिमल तो थे ही लेकिन प्रोटिस्टा एक अलग ग्रुप बनाया, और अलग ग्रुप किस बेसिस पर बनाया कि विच डू नॉट हैव टिश्यू, टिश्यू मतलब क्या था ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि एक से ज्यादा मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी थे इन्होंने उठा करके एक में रख दिया, यानी कि किसको किसको निकाल दिया प्लांट और फंगी को इन्होंने अलग कर दिया, प्लांट और फंगी को अलग कर दिया, इसमें प्रोटिस्टा बनाया जिसमें ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक के अंदर डाल दिया, ठीक है। लेकिन इनका भी ड्रॉबैक क्या था कि प्रोकैरियोट ठीक है यूनिसेलुलर है, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर, पॉलीफेरा एल्गी और फंगी भी, फंगी को भी इन्होंने इसी में डाल दिया, प्लांट और एनिमल को अलग अलग किया, लेकिन फंगी क्या है मल्टी सेलुलर होते हैं, भला ही लूज टिश्यू होता है उनका लेकिन वो क्या होता है भाई मल्टी सेलुलर होते हैं। और इसमें देखिए और इनका क्या एक और ड्रॉबैक था कि ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंशिएट कर किए ही नहीं थे, जैसे आप प्रोटोजोआ जो है या आप ये देख सकते हैं एल्गी जो है बहुत सारे एल्गी जो है या पॉलीफेरा वगैरह जो है वो क्या है वो ठीक है वो यूकैरियोट्स हैं, और ये प्रोकैरियोट क्या है मतलब ये यूनिसेलुलर है लेकिन ये प्रोकैरियोट है, तो दोनों में बहुत अंतर होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं प्रोकैरियोट में क्या पाया जाता है न्यूक्लियस अब्सेंट रहता है और यूकैरियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, तो उन लोग में भी डिफरेंस था, लेकिन इन्होंने सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक में रखा, समझे, तो दे तो दिए क्लासिफिकेशन टिश्यू के बेसिस पर लेकिन इनका भी चला नहीं। तब कौन आए बोले कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है कि आप प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक ही में रख सकते हैं,
तो कौन साइंटिस्ट आए, कॉपलैंड साहब आए। कौन आए भाई? कॉपलैंड साहब आए और उन्होंने बोला कि नहीं, प्रोकैरियोट को अलग रखना होगा, यूकैरियोट को अलग रखना होगा। तो उन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा में जो भी प्रोकैरियोट है उसको निकाल करके किसमें रख दिया स्टूडेंट, ये माइकोटा एक ग्रुप बनाया उन्होंने, इसको हम बोलते हैं माई छोटा। माई छोटा मतलब क्या हुआ, इन लोग से छोटा, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए अभी हम क्यों बोले छोटा, ये ध्यान रखिएगा, ये माई सी एच ओ टी ए होता है माई छोटा, हम यहाँ पे माइकोटा इसको बोलते हैं। माई छोटा में बाद में इसको क्या नाम दिया गया, मोनेरा। कौन दिए, डॉटरी एंड एलिन साहब जो थे, बाद में इसका नाम मोनेरा दिए। और इसमें इन्होंने क्या किया था कि जितने भी प्रोकैरियोट थे सबको उठा के रख दिया, प्रोस्टिस्टा में इन्होंने ऑल यूनिसेलुलर को रखा जो यूकैरियोट्स थे, और प्लांटी तो था ही, प्लांटी को इन्होंने नाम क्या दिया था, मेटाफाइटा, और एनिमिलिया को क्या नाम दिया था, मेटाजोआ। तो इन्होंने क्या किया, प्रोकैरियोट्स को अलग कर दिया, इन्होंने सिर्फ क्या किया, प्रोकैरियोट्स को अलग कर दिया यूकैरियोट्स से। इसके बाद इनका भी क्लासिफिकेशन में क्या दिक्कतें आ रही थी भाई, कि अब प्रोटिस्टा को ठीक है इसमें रखे थे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर इन्होंने रखा था, पहले यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को इसमें डाला था। लेकिन अब बात यहाँ पे क्या आती है कि भाई यहाँ पे देखा जाता कि फंगी को इसी ग्रुप में डाल दिया गया था, तो इन्होंने बोला कि फंगी अलग रहना चाहिए क्योंकि फंगी फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, इन लोग तो करते हैं फोटोसिंथेसिस, इसमें पाया जाता है। तब आए एक योद्धा जिनका नाम था, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिए, और उनका नाम था आर एच विटेकर साहब का। 1969 में इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, और उसमें क्या बेसिस रखा, तो उसके लिए एक ट्रिक है कि री सी पी एम टी, यानी कि सेंट्रल पीएमटी पहले हुआ करता था, अब तो नीट में कन्वर्ट हो गया, तो उसमें री मतलब फिर से सी पी एम टी हुआ। तो ये ट्रिक अगर आपको याद रहेगा तो इस बेसिस पर उन्होंने रिप्रोडक्शन एगो बेस बनाया, रिप्रोडक्शन के बेसिस पर इन्होंने क्लासिफाई किया, सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पर क्लासिफाई किया, फाइलोजेनेटिक रिलेशन यानी कि खानदानी के तरह से जुड़ल है, ये भी इन्होंने ध्यान रखा। नहीं होता है कि फलाना के खानदान का गोत्र जो निकाला जाता है, अरे याद है ना, गोत्र मिलाया जाता है कि हाँ फलाने के खानदान के हम है, तो उसका भी इन्होंने ध्यान रखा। और फिर ये खाते कैसे है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ऑटोट्रॉफ है कि हिटरोट्रॉफ है, अब उसमें भी अलग अलग होते हैं, तो उसका भी इन्होंने ध्यान रखा। और साथ ही साथ बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन का भी ध्यान रखा कि यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, उसका कैसा बॉडी बना है, ये तो ये इन्होंने क्राइटेरिया को रखा। और आपको बता दें कि इन्हीं का ये जो क्राइटेरिया है स्टूडेंट आज तक चलते आ रहा है। इन्होंने फिर कहा कि नहीं, मोनेरा तो रहेगा, प्रोटिस्टा तो रहेगा, लेकिन एक फंगी के लिए अलग ग्रुप बनाया। और इसमें देखिए सब एग्जांपल है, मोनेरा में यू बैक्टीरिया आता है, रिक्सिया आता है, एक्टिनोमाइसिट आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्की बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, ये सब को मोनेरा में रखा। प्रोटिस्टा के अंदर डाइनोफ्लेजलेट, डायटम्स, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोड, प्रोटोजोआ को रखा। फंगी के अंदर ट्रू फंगी को रखा। प्लांटी के अंदर एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म को रखा। और एनिमिलिया के अंदर सभी मल्टी सेलुलर एनिमल्स को रख दिया। लेकिन अब देखिए इनका और बेसिस क्या क्या लिए थे, और डीपली अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि एक चार्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका क्लासिफिकेशन जरूर हम लोग देखते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा मतलब डीपली स्टडी कर लिए थे मोनेरा के ऊपर। तो उन्होंने क्या किया, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और इनका क्या नाम था, कार्ल ओस। क्या नाम था, कार्ल ओस। अब ये कार्ल ओस साहब जो थे कुछ नहीं किए, मोनेरा को ही दो भाग में डिवाइड कर दिए। जैसे मोनेरा के अंदर जब प्रोकैरियोट का स्टडी किया बैक्टीरिया का, तो देखे कि कुछ बैक्टीरिया ऐसा है ना कि खौलता हुआ पानी में रह रहा है, जहां पे ज्वालामुखी है वहां पर भी जिंदा रह जा रहा है। तो बोले कि वो बैक्टीरिया सिंपल बैक्टीरिया और इस बैक्टीरिया में अंतर है, यानी कि यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया को इन्होंने क्या किया, अलग अलग कर दिया। तो इसीलिए क्या ग्रुप बनाया, आर्की बैक्टीरिया बनाया, और मोनेरा के अंदर यू बैक्टीरिया को इन्होंने रखा। तो और ये थ्री डोमेन दिए थे, तीन डोमेन दिए थे, जिसमें आर्किया रखा, बैक्टीरिया रखा और यूकैरिया रखा। तो आर्किया में क्या रखा, आर्की बैक्टीरिया को रखा। बैक्टीरिया में क्या रखा, मोनेरा यानी कि यू बैक्टीरिया को रखा है, और यूकैरिया में क्या रखा, प्रोटिस्टा और फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया। लेकिन यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ध्यान देने वाला क्या बात है, यहाँ पे देखिए माइकोटा ये भी है, और वहां पर भी क्या पढ़े थे, माई छोटा, वहां पे सी एच था और यहाँ पे सी के बाद वो है, तो दोनों में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। और क्वेश्चन ये माई कोटा पूछा है कि माई छोटा पूछा है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो सी एच लगा होगा तो मोनेरा के लिए कह रहा है, और अगर डायरेक्ट अगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, फंगी के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी क्लासिफिकेशन के सिस्टम को देखा, और नेक्स्ट डे हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का जो बेस था, एक चार्ट दिया हुआ है वो पढ़ेंगे, और स्टार्ट करेंगे इन्हीं के क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम लोग पूरा पढ़ना चालू करेंगे, और नेक्स्ट डे ही स्टार्ट कर देंगे किसको, मोनेरा को, यानी कि मोनेरा जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको हम लोग देखेंगे। तो आज के लेक्चर स्टूडेंट इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।